दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ दोस्तों खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे, होना ही चाहिए। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, भगवान करे सब खुश रहे, सब सुखी रहे और संपन्न रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा मस्त मस्त रहे, है ना। आज दोस्तों जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, ये उपाय आप करके देखें, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ वैभव से, ऐश्वर्य से भर जाएगी। गाड़ी, बंगला, जो भी आप चाहते हैं आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ आपको इस उपाय को करना है, सही ढंग से करना है और समझ करके करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों, बहुत अच्छा। आपने इसको धारण किया नहीं कि रिजल्ट आप खुद देखेंगे कितना बढ़िया आएगा, कितना बढ़िया आएगा दोस्तों। आप देखना, जो जिनके शुक्र मजबूत है, जिनके भी शुक्र मजबूत है दोस्तों, उनके घर, उनके बंगलों दूर से दिखाई देते हैं, वहाँ सुख, साहेबी, ऐश्वर्यता, वैभव दूर से दिखाई देता है। दूर से वैभव से, ऐश्वर्य से घर छलक रहा होता है, खुशियाँ ही खुशियाँ घर के अंदर दिखाई देती हैं। ऐसे व्यक्ति दोस्तों जिनका शुक्र मजबूत है, वे देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं दोस्तों। उनकी पर्सनालिटी के अंदर, उनके व्यक्तित्व के अंदर, उनके आभा के अंदर भी ऐश्वर्य दिखाई देता है। आप देखना दोस्तों, कितने लोगों के पास पैसे होते हैं पर उनके घर के अंदर वो आभा नहीं दिखाई देगी, वो ऐश्वर्य नहीं दिखाई देगा। अमुक के व्यक्तित्व के अंदर आप देखना, आपको लगेगा ये व्यक्ति का की पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, ये व्यक्ति तो कोई बहुत अच्छे मतलब इसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी होगी। लेकिन कितनी बार देखेंगे, मैंने खुद ने देखा हुआ है व्यक्ति को, कि पैसे से बिल्कुल गए गुजरे हैं लेकिन उनके व्यक्तित्व के अंदर ऐश्वर्य है। अगर वो अपने शुक्र को थोड़ा सा मजबूत कर दें तो पैसों से उनकी जिंदगी छलक जाए, क्योंकि उनके व्यक्तित्व के अंदर वो चीज़ आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक ग्रह कमज़ोर पड़ता है। और जिनके व्यक्तित्व में ही कंगालियत दिखाई देती है, उन्हें तो ये उपाय करना ही करना चाहिए। लेकिन शुक्र आपकी कुंडली में कहाँ है, उसका क्या रिजल्ट है, एक बार इसे दिखवाना जरूर, और इस उपाय को आप करके देखना दोस्तों, करके देखना। आप याद रखोगे जिंदगी भर कि मैंने आपको कितना बढ़िया उपाय बताया, जिस उपाय ने आपकी ज़िंदगी को सच में सुख से, खुशियों से भर दिया, धन से, वैभव से, ऐश्वर्य से भर दिया। इतना बढ़िया उपाय है दोस्तों। तो जो नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरी चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब, कहाँ, किसका भला हो जाए, करें जरूर। और जो मैं जानकारी देती हूँ दोस्तों, उसको बहुत ध्यान से सुने, सुनने में समझने में बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि कितनी बार दोस्तों, कितनी वीडियो में मैं देखती हूँ, मैं समझाना कुछ और चाहती हूँ पर आप समझ कुछ और जाते हो। जब आपकी मैं कमेंट पढ़ती हूँ तब मुझे पता चलता है कि आप कुछ और समझ गए, वो नहीं समझे जो मैं आपको समझा रही थी, क्योंकि आपने ध्यान से वीडियो को सुना ही नहीं होता है। जल्दी 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 स्किप कर करके देख लिया। ये मैडम जो बोलते हैं जल्दी जल्दी, जो पहले बोलेंगे थोड़ी देर तो सुनने का ही नहीं, वो जो शुरुआत में बोलते हैं ना उसको निकाल देने का, स्किप कर देने का। कितने लोग तो उसमें टाइम लिख देते हैं कि इतने मिनट के बाद में ही जाना तो उपाय मिल जाएगा, नहीं तो सुनना पड़ता है, बहुत लंबा बोलते हैं मैडम, है ना। पर वो जो लंबा होता है उसके अंदर भी कुछ आपके काम का होता है, तो सुन लिया करो। पूरा दिन किसी और काम में निकालते, वहाँ पर भी आप अपना समय दे ही रहे हो, तो दो मिनट और सुन लो। क्योंकि अच्छे से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, मन लगाकर सुनोगे, तो जो क्रिया करनी है आपको वो भी आप अच्छे से करोगे, उसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा दोस्तों। बस रिजल्ट अच्छा आया, जो अपना मकसद है काम करने का, विधि करने का, वीडियो को सुनने का मकसद क्या है, आपका अच्छा हो तो अच्छा करने के लिए अच्छे से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जो भी माताएं, महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, कहीं यहाँ वहाँ ध्यान ना रखें, ध्यान किचन में होगा, जल्दी जल्दी मेरी वीडियो देखती हैं, फिर उसी वीडियो में से ऐसे ऐसे सवाल पूछती हैं कि बात नहीं पूछो,
ध्यान से सुने पहले से, जो मैंने आपको बताया, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें सभी को चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, सभी को चाहिए, आपको भी, मुझको भी, हमको सबको चाहिए, बराबर। और इस सब के लिए आपको अपने शुक्र को मजबूत करना ही होगा। और शुक्र को मजबूत करने के लिए दोस्तों आप प्लेटिनियम में, प्लेटिनियम की धातु में हीरा को मढ़वाएं, बराबर। हीरा सच्चा लाना, सही जगह से लाना। हीरे को मढ़वाने से पहले, अंगूठी में बिठवाने से पहले, आप जहाँ से भी लाते हैं, शॉप से, जहाँ से भी, उसे कह दीजिए कि मुझे 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए मुझे दे दो, मुझे इसको अपने पास रखना है। आप उसे अपने पर्स में रखें, जब आप सोते हैं तब आप उसे अपने तकिए के नीचे रखें। 5 दिन में, 7 दिन में ही आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा कि ये नंग आपके प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है। आपको जैसे ही अनुभव होता है, जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपने नंग लिया और आपको अचानक कहीं से लॉटरी लग जाए, लेकिन छोटे मोटे फायदे तो आपको दिखाई देंगे। स्वप्न में भी आपको अच्छी चीज़ों के दर्शन होंगे। जब भी कोई अच्छा, कुछ भी अच्छा होने वाला होता है ना, तो जो अच्छी आत्माएं हैं वो आपके पास अपने आप आने लग जाती हैं। जो प्रकृति के अंदर जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए पॉजिटिव है, वो आपको दिखने लग जाता है। कहीं ना कहीं आपका मन खुश होने लग जाता है। तो पहले दोस्तों आप 5 या 7 दिन इसको अपने पास रख करके देखना, आपको खुद को पॉजिटिविटी का अनुभव होता है तो फिर आप इसे प्लैटिनम में मढ़वा करके अपनी पहले वाली उंगली में डाल लो। यह तर्जनी है, इसी में गुरु पहने जाते हैं। जो भी 3 के मूलांक हैं, सब व्यक्ति, हर व्यक्ति, मैं तो कहती हूँ बिना पुखराज के रहना ही नहीं चाहिए। जिनका भी मूलांक 3 है, मतलब कि जिनकी भी जन्म तारीख दोस्तों 3 है, 12 है, 21 है, 30 है, इन लोगों को तो पुखराज बिना किसी से पूछे धारण कर लेना चाहिए, जिंदगी बदल जाएगी। तो ये जो हीरा दोस्तों मैं बताती हूँ, हीरा ऐश्वर्य देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा से आपके जीवन को भर देगा, वैभव भी वैभव दे देगा। इस अंगूठे को बनवाने के बाद दोस्तों शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े के ऊपर आप चावल रखें, चावल के ऊपर इस अंगूठी को रखना और आप ओम शुम शुक्राय नमः इस फटिक की माला से जितना ज़्यादा, जितना 10,000 हो, 11,000 हो, 5,000 हो, ज़्यादा नहीं तो जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप कर सके उतना ज़्यादा ये पावरफुल हो जाएगा, फिर ही आप इसे धारण करना। इसके ऊपर दोस्तों बयां के फूल, मोगरे के फूल चढ़ा देना जब आप इसको अभिमंत्रित करके तैयार करो। जिसके लाइफ में दोस्तों ये काम कर गया, उसकी लाइफ बदल जाएगी, बदल जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप करके देखो, करके देखो दोस्तों, रिजल्ट आप खुद देखेंगे कि क्या आएगा। सफ़ेद कपड़े में चावल के ऊपर इसको रखना है, सफ़ेद मिठाई भी रख देना, लेकिन मोगरे के फूल, बयां के फूल अवश्य ही चढ़ाना, सफ़ेद फूल खुशबूदार। ओम शुम शुक्राय नमः, जितना ज़्यादा इस फटिक की माला से आप जाप कर सकते हैं करना। आपका जो फेस है उत्तर दिशा में रखना जाप के समय, ठीक है, वाइट कपड़े ही पहनना। शुक्रवार के दिन कर लेना, पूनम के दिन भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन, तेरस के दिन, पूनम के दिन, इन तीनों में से कोई भी एक दिन कर लेना। रिजल्ट दोस्तों यूँ आएगा और आप खुद देखेंगे कितना बढ़िया रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो करते रहें दोस्तों, खुश रहें। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है दोस्तों, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आती हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य ही बताएं, ठीक है। जब मैं दूसरी बार लाइव आऊँगी आपके सवालों के जवाब अवश्य ही दूँगी दोस्तों। मैं वो सारे ही सवाल उठा लेती हूँ, जो सवाल, जैसे एक ही क्वेश्चन है, 25 व्यक्ति पूछ रहे हैं, तो उन 25ों का आंसर मैं नहीं देती हूँ, एक ही सवाल को उठाती हूँ जिसमें सभी को आंसर मिल जाता है। तो जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें। मैं कमेंट बॉक्स दोस्तों हमेशा देखती रहती हूँ, उसमें से जो ज़रूरी क्वेश्चन है उसको उठा करके जब लाइव आऊँगी तब भी आंसर देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो करते रहें, खुश रहें दोस्तों। जय श्री कृष्ण।